हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सोयाबीन की सब्ज़ी। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी खाने में इतनी ज़्यादा लाजवाब होती है, इतनी टेस्टी होती है कि आप सचमुच उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप इसको चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ये आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। ये हमने 100 ग्राम सोयाबीन ले ली है और सोयाबीन को हम गर्म पानी में भिगो देंगे। तो हमने गरम पानी डाल दिया है, थोड़ा सा और डाल देते हैं और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे ताकि हमारी सोयाबीन अच्छे से फूल जाए। और हम इसको ढक देंगे, किसी ढक्कन लगा देंगे इस पर और इसको हम ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद ये हमारी सोयाबीन अच्छे से फूल जाएगी। अब हमारी सोयाबीन अच्छे से फूल गई है और अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो हमने दूसरे बाउल में इसको अच्छे से निकाल लिया है। जब ये हमारी सोयाबीन ठंडी हो जाएगी तो हम इसका पूरा पानी निचोड़ देंगे। तो अभी हमारी इसी सोयाबीन आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अभी हम इसको ठंडा करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे ताकि ये हमारी सोयाबीन ठंडी हो जाए। और हम आगे मसाले का इंतज़ाम करते हैं, अपना मसाला तैयार करते हैं। तो मसाले के लिए हम लेंगे थोड़ी सी लहसुन की कलियां, ये 8-10 लहसुन की कलियां हैं हमने ले ली हैं। और थोड़ी सी हमने लौकी कट कर ली है और लौकी को हमने मिक्सी जार में डाल लिया है। और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियाँ हमने ले ली हैं और ये तीनों चीज़ें हम अच्छे से मिक्सी जार में पीस लेंगे। मिक्सी चला कर इसका हम अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए हम इसको पीस रहे हैं और ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। तो हम इसमें थोड़ा सा मिला देंगे कश्मीरी मिर्ची। तो ये कश्मीरी मिर्ची मिलाएंगे तो हमारे इस जो हमारा पेस्ट है इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये मिर्ची बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती है, तो हम इसको 1 चम्मच डाल लेंगे और इसको भी डाल के हम अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। इसमें थोड़ा सा हम जार में पानी डालकर जो हमारा मसाला लगा हुआ है वो भी हम साफ़ कर लेंगे और इसको इसमें पलट देंगे और इस मसाले को हम साइड में रख देंगे और फिर हम आगे की तैयारी करेंगे। तो आगे हमें क्या तैयारी करनी है, देखिए ये जो हमारी सोयाबीन है इसको हम निचोड़ लेंगे। निचोड़ के जितना भी पानी है इसका सारा निकाल देंगे और पानी निकालने के बाद हम इसको भी पीस लेंगे, इसका भी हम पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट क्या, हमको इसको सूखा सूखा ही पीसना है, हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, बिल्कुल भी हमको पानी नहीं डालना है क्योंकि हम इसको थोड़ा सूखा दरदरा पीसेंगे। तो देखिए हमने पीस लिया है, आपको भी ऐसे ही पीसना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो ये हमारा जो मिक्सचर है ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो बन नहीं पाएगा। हम जो सब्ज़ी बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन पाएगी, तो इसको हम सूखा ही रखेंगे। और अब हमने कद्दूकस करके थोड़ा सा लौकी रख लिया था, तो लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया था। ये हमने बहुत ज़्यादा लौकी नहीं ली है, थोड़ी सी लौकी ली है, हो ये करीब 1 कप के आसपास लौकी है हमारी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो कि हमने कद्दूकस करके रखा हुआ है। ये 1 छोटा प्याज है, हमने उसको कद्दूकस करके रखा था। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च और छोटा छोटा कटा हुआ लहसुन हम डाल देंगे। तो ये देखिए हमने लहसुन और हरी मिर्च भी डाल दी है। अब हम इसमें थोड़ी सी डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ी सी ही हमको अजवाइन लेनी है, तो अजवाइन हमने डाल दी है। और अब हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने धनिया, जीरा और लाल मिर्ची जो कि हमने दरदरी दरदरी पीस ली है वो डाली है और नमक डाला है। नमक स्वाद अनुसार आप डालिए, नमक बहुत ज़्यादा मत डालिए। और थोड़ी सी हमने हल्दी ली है 1/2 चम्मच के करीब। और अब हम 1.5 बड़े चम्मच बेसन ले लेंगे और अब हम इसका मिक्सचर बना लेंगे। देखिए हम इसको ऐसे मैश कर लेंगे, ये हमारा थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। हम पेस्ट ऐसा बनाएंगे ताकि हम इससे गोल गोल गोले बना सकें। तो देखिए इस तरह का आपको मिक्सचर रेडी करना है। तो ये मिक्सचर हमारा बनकर रेडी है, अब हम इसके गोल गोल पकौड़े बनाएंगे।
जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं उसी तरह हम इसको भी गोल गोल करके गोले बना लेंगे। सारे गोले बनाकर हम रख लेंगे। तो एक एक करके देखिए हमारे गोले बहुत आसानी से बने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इसको बनाने में, बहुत जल्दी ये बन जाते हैं। तो देखिए हमने सारे गोले बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसी तरह आपको भी गोले बनाने हैं, आप चाहें तो इसका आकार लंबा या चौकोर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि आप गोले ही बनाएं, आपकी जैसी इच्छा करें आप वैसे बना सकते हैं। अब ये हमने ली है लोहे की कढ़ाई, जिसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। सरसों के तेल से ही हम सब्जी बनाएंगे। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम एक एक करके सारे गोले फ्राई कर लेंगे। जो हमने लड्डू बना के रखे हैं गोल गोल, वो सब फ्राई करेंगे। तो ज़्यादा हिलाएंगे नहीं इसको, हम ज़्यादा चलाएंगे नहीं। ये हमारे जो लड्डू हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो हम इनको बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये हमारे सारे गोले फूट जाएंगे तेल में। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बहुत हल्के हल्के से हम इसको चलाएंगे, चारों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। तो ये हमने सेक लिए हैं, उनको हम बाहर निकाल लेंगे। और अभी हमारे पास थोड़े से और बचे हुए हैं, उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। हल्की आँच पे ही हम फ्राई करेंगे, बहुत तेज़ आँच पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो देखिए हमने ये वाले गोले भी डाल दिए हैं और धीरे धीरे इनको भी हम पका लेंगे, हिला हिला के हम पकाते जाएंगे। और जब अच्छे तरह से पक जाएं, बहुत तेज़ आँच पे हम इसको नहीं पकाएंगे। तो देखिए हमने सारे गोले पका लिए हैं और हमारी कढ़ाई में तेल थोड़ा ज़्यादा है, तो तेल हम कम कर लेंगे और बचे हुए तेल में हम डालेंगे तेज़पत्ता, जीरा और आधा चम्मच हम लेंगे सरसों, दो चुटकी करीब मेथी डालेंगे और कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए जब हमारी धनिया, जीरा, तेज़पत्ता और राई अच्छे से पक जाएगी, अच्छे से चटकने लगेगी, तब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ ये हमारा प्याज है जो हमने पीस के रखा था, पेस्ट बनाया था प्याज का। तो हमने प्याज का पेस्ट बना लिया था, एक प्याज हमने लिया था, इसको भी हम इसी में डाल देंगे और इसको भी अच्छे से पका लेंगे। जब ये हमारा प्याज अच्छे से पक जाएगा तभी हम इसमें डालेंगे पेस्ट जो कि हमने लौकी का बना के रखा था, लौकी, लहसुन का, हरी धनिया का जो हमने पेस्ट बनाया था, वो सारा पेस्ट हम इसी में डाल देंगे। क्योंकि ये सब कुछ हमारा कच्चा है, हमारा लौकी और जो लहसुन था सब कच्चा है, तो हम इस सब चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। टमाटर हमने दो टमाटर पीस लिए थे, इसका पेस्ट बना लिया था, टमाटर भी हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम डालेंगे नमक स्वादानुसार, नमक को आपका ध्यान रखना है, नमक कम डालना है क्योंकि हमने गोले में भी नमक डाला है, इसलिए नमक कम डालेंगे। और अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम इसमें, सब सारे मसाले बहुत थोड़े थोड़े मात्रा में ही डालेंगे। क्योंकि ये हमारी सोयाबीन लौकी की सब्ज़ी है, बेसन वाली सब्ज़ी है, तो इसमें मसाले हम बहुत कम डालेंगे। बहुत ज़्यादा अगर मसाले डालेंगे तो हमारी सब्ज़ी कम टेस्टी लगेगी। तो अभी ये हमारे जो मसाले थे कच्चे थे, तो अभी इनको हम ढक के पकाएंगे। तो ये हमने ढक्कन हटा लिया है। तो देखिए अब मसाला हमारा थोड़ा सा पकने लगा है, तो अब हम इसमें हल्दी हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला हम ऐड करेंगे। और उसके बाद हम धीरे धीरे से इसको चलाएंगे। चलाने के बाद हम फिर से इस पर ढक्कन लगा देंगे ताकि हमारी हल्दी और ये हमारे मसाले अच्छे से पक सकें। जब हमारे मसाले अच्छे से पकेंगे तभी हमारी सब्ज़ी में स्वाद आएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए ज़्यादा स्वाद के लिए हम इसको ढक कर पकाएँगे, 5 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। और अब हम इसको फिर से चलाएंगे। हमने तेल बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा तेल कर सकते हैं, हमें तेल कम पसंद है तो हमने तेल कम डाला है। और अब हमारा जो ये हमने ग्रेवी जो हमारी बनी है, जो हमने बना रखी है ग्रेवी, तो इसमें हम अपने सारे गोले डाल देंगे। अब इनको भी हम बहुत ज़्यादा चलाएंगे नहीं, ग्रेवी में डालकर हम नहीं चलाएंगे। आप चाहें तो केवल ग्रेवी बना लीजिए, बाद में भी गोले डाल सकते हैं, लेकिन हम साथ में डाल दिए हैं। और अब हम इसको पकने देंगे, 5 मिनट के बाद हम फिर ढक्कन उठाकर देखेंगे और हल्के हल्के से चला देंगे। तो देखिए हमने
इसको चला दिया है। बहुत देर हम इसको बहुत तेज़ नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये हमारे सारे गोले फूट जाएंगे और हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया। तो आप देखिए कितनी जल्दी कितनी आसानी से हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। चावल के साथ भी ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, रोटी के साथ भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। देखिए कि ये गोले कितने सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। हमने इसको दूसरे बाउल में निकाला है तो इसके कुछ गोले फूट भी गए हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह लगते हैं देखने में। और जितना ये देखने में सॉफ्ट हैं उतना ही खाने में भी सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। तो रेसिपी हमारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें और एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, ये आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।